में मौजूद है और पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर सरपंचों का आना शुरू हो गया है। आप देखो अभी तक संख्या जो है यहाँ पर 150 की बताई जा रही है, जो सरपंच है यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ सरपंचों को जो है बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है रोका गया था, लेकिन सरपंचों ने गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर पैदल ही जो है पंचला के सेक्टर पास शालीमार ग्राउंड की तरफ कर दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है महिला सरपंच भी मौजूद है, महिला सरपंच जो है वो यहाँ पर आ रही है प्रदर्शन में अपना अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि महिलाओं को जो है 50% आरक्षण जो दिया गया था कि महिलाएं भी जो है खुलकर अब जो है सामने आ गए अपने हकों की लड़ाई को लेकर। आज जो है सेक्टर 5 हुए हैं जिन जिन सरपंचों को पंचला पुलिस द्वारा भी रोका गया, पंचला पुलिस द्वारा जो है सरपंचों को बीच में रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरपंचों ने जो है अपना काफिला गाड़ियां वहीं पर रोक दी और उसके बाद जो है सरपंच पैदल ही सेक्टर 5 की तरफ पहुंचे। और यहां पर अभी संख्या जो है आपको बताई गई 150 की संख्या अभी तक यहाँ पहुंची और लगातार काफिला जो है सरपंचों का पंचला में पहुंचना शुरू हो गया है जी। लेकिन ये बताइए दिव्या, 11:30 बज चुके, 12 बजे इनको कूच करना है और इनकी संख्या बताई गई थी कि तकरीबन 10-12 हजार लोग यहाँ पर जुटेंगे, तो अभी तो संख्या इनकी बहुत कम है। बता दें संख्या की, अगर हमने पहले सूत्रों के हमारे थी 10-12 हजार की संख्या होनी थी, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर काफिले आ रहे हैं। काफिलों का कहना है कि जो सरपंच पंच जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो है बीच रास्ते में इनको रोका जा रहा है कि ज्यादा संख्या जो है पंचला में एकत्रित न हो, लेकिन फिर भी जो है सरपंच अभी भी कुछ काफिला जो है इनका रास्ते में है। कहीं ना कहीं इनको भी प्रशासन को भी डर है कि सरपंच अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ जो है हिंसक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि प्रदर्शन जारी हो जाएगा, प्रदर्शन ज्यादा रहेगा, जिसको लेकर जो है सरपंचों को कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रोका जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है संख्या अधिक कम हो रही है जी। ठीक है, विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, चंडीगढ़ में क्या इस वक्त चीजें चल रही है इस प्रदर्शन को लेकर? चंडीगढ़ पुलिस पंचकुला पुलिस के साथ चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर तैनात है और सीएम हाउस में भी सुरक्षा है थोड़ी बढ़ा दी गई है। हम इस समय हरियाणा सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, जहां पर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है एहतियात के तौर पर, हालांकि जो यातायात है वो जारी है। साइडों में बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि अगर यहाँ तक कुछ लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा सके। पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर आप मैं अपने पीछे दिखाना चाहूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग के साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अमूमन यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन आज का जो प्रदर्शन है देखते हुए उन पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है और सड़क के दोनों ओर जो है बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, ताकि जरूरत पड़े तो बैरिकेडिंग के जरिए सड़क को बंद किया जा सके और अगर कोई यहाँ पर आता है, कोई प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे भी यहाँ पर रोका जा सके, इससे आगे ना उन्हें जाना दिया जाए। यानी हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों मिलकर इस प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं और पुलिस का सबसे पहला जो एक लक्ष्य होगा वो यही होगा कि इस प्रदर्शन को उग्र ना होने दिया जाए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहे और उसे जल्द ही नियंत्रण उसे कर लिया जाए उस पर। और जिस तरह से पुलिस ने पिछले प्रदर्शन के दौरान बल का प्रयोग किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, आंसू जैसे गोले छोड़े गए थे, तो पुलिस ये जरूर चाहेगी कम से कम इतना उग्र प्रदर्शन ना हो, पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े। इसलिए पुलिस जो है पहले से ही पूरी तरह से एहतियात है और इस प्रदर्शन को देखते हुए सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा थोड़ी बढ़ा दी गई है, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक पुलिस की बस भी खड़ी है कि अगर यहाँ पर कोई लोग आते हैं, अगर कोशिश करते हैं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की, शांति भंग करने की, इन लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर पुलिसकर्मी देख सकते हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और एहतियात जो है पुलिस की ओर से पूरी तरह से बरते जा रहे हैं जी। ठीक है, कुलवंत का रुख कर लेते हैं। कुलवंत इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं। कुलवंत, यमुनानगर में से कितने पंच सरपंच रवाना हुए हैं और आज सीएम आवास के घेराव को लेकर यमुनानगर के पंच सरपंचों की क्या राय है? देखिए, हमने इस तरह से सरपंच से सुबह से ही लगातार उनके संपर्क में बने हुए थे, आज भी अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी 8 से 10 सरपंचों से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हम यमुनानगर से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में पंचकुला में पहुंच जाएंगे। जैसा कि पंचकुला में 12 से 1 बजे तक ये पंचकुला के एक अंदर एक रैली निकालेंगे और उसके बाद 1 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। वहीं पर यमुनानगर में इस वक्त जो कुछ सरपंच यहाँ पर मौजूद भी थे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया कि सरपंच अगर हम कैमरे के सामने आएंगे तो जो सरपंच वहां पर गए हुए हैं
वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज जरूर होंगे। मैं आपको ये जरूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ जो गांव हैं यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो टेंडरिंग से हो या फिर 2 लाख के एस्टिमेट में हो, यहाँ पर कुछ गांव के सरपंचों ने काम करना शुरू कर दिया है और लगातार वो विकास कार्य करवा भी रहे हैं। लेकिन कुछ सरपंच हैं जो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि किस तरह से ये दबाव बनाकर अपनी बात राइट टू रिकॉल और टेंडरिंग की बात मनवाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि आज जिस तरह से सरपंच जो पूरे हरियाणा के सरपंच है वो मुख्यमंत्री के कार्यालय पर जाकर वहां पर जाकर किस तरह से अपनी बात रखते हैं और किस तरह से अगला जो समाधान है वो किस तरह से निकल पाए। ठीक है, एक बार फिर से दिव्या का रुख कर लेते हैं जो पंचकुला से इस वक्त साथ बनी हुई है। दिव्या, पंचकुला की बात करें तो आपने बताया कि पंचों का और सरपंचों का कहना है कि जो लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पंचकुला पहुंचने वाले हैं उनको अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो संभावनाएं थी कि 10-12 हज़ार के करीब लोग जुटेंगे, और लगता दिव्या से संपर्क टूट गया, दोबारा हम दिव्या के पास पहुंचेंगे, जुड़ने की कोशिश करते हैं। विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, जो हम बातचीत कर रहे हैं लगातार सुबह से कि सरकार का अपना एक मत है, सरकार का एक स्टैंड है, और उस स्टैंड से सरकार थोड़ी सी भी दाएं बाएं नहीं हुई है। कल भी मुख्यमंत्री का बयान हमने सुना कि हम उसको लागू करेंगे, कहीं कोई कमी होगी तो उस कमी का हम समाधान करेंगे। सरकार से जुड़े जो लोग हैं गठबंधन की तरफ से, राष्ट्र जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है, बार बार उनका ये बयान आता है कि एमपी हो एमएलए हो उनका भी पैसा जो उनके पास फंड आता है वो टेंडर के जरिए ही खर्च किया जाता है, और उनका भी ये कहना है कि हम भाई आप पहले उसको इस्तेमाल तो कीजिए, कमी होगी तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। तो सरकार के तरफ से चीज़ें क्लियर हैं फिर भी सरपंच मान नहीं रहे। आम हरियाणा के का जो निवासी है, जो ग्रामीण है, वो इस वक्त तो यही सोच रहा होगा कि होगा तो आखिर क्या, क्योंकि सरपंच भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, जो आम ग्रामीण लोग हैं वो तो पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि पंचायत के चुनाव होंगे, गांव में जो काम रुके पड़े हैं वो शुरू होंगे, चाहे सफाई का काम हो, पानी का काम हो, नालियां, कई तरह के गाँव में काम होते हैं, पीने के पानी का प्रबंध करना, तालाब जोहड़ों का काम रुका होता है वो करना, पंचायती जमीन का ठेका छूटता है, जो किसान ठेके को पंचायती जमीन को लेते हैं उस पर खेती करते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं गांव में जो पंचायत की ओर से किए जाते हैं, और पिछले 2 सालों से चुनाव ना होने की वजह से वो सारे काम रुके हुए थे, और अब चुनाव होने के बाद जब लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि अब ये सारे काम शुरू होने हो जाएंगे। लेकिन ई टेंडरिंग के आने के बाद जो विरोध शुरू हुआ है सरपंचों का, ये काम फिर से अटक गए हैं। कुछ सरपंच जो है वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सरकार के लगातार वो खिलाफ बने हुए हैं, दूसरी ओर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जैसा आपने अभी बताया। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा हम नुकसान कह सकते हैं वो ग्रामीणों को कह सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तो कर दिया है अपनी तरफ से कि हम इसे एक बार करके देखिए, इसे शुरू कीजिए, समस्या होगी तो हम उसे सुधारेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की ये बात भी एक सही है, क्योंकि जो ई टेंडरिंग है वो कोई बहुत नई व्यवस्था नहीं है जो जिसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो पंचायतों के ऊपर। ई टेंडरिंग पूरे देश भर में जारी है, पूरी दुनिया में ई टेंडरिंग के जरिए काम किए जाते हैं, शहरों में जो पार्षद होते हैं वो ई टेंडरिंग के जरिए सारे काम अपने अपने इलाकों में करवाते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है ई टेंडरिंग को लेकर। और दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है कि जो ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है उससे सरपंच के पास पावर तो रहेगी अपने काम करवाने की, निगरानी